कार्रवाई संसद की चली थी, पत्रकार बंधुओं को पता होगा, बिल्कुल संसद की कार्रवाई चली थी, लोगों को पता होगा कौन कौन व्यक्ति हैं। आपके मीडिया से भी समाज को ही हम संबोधित कर रहे हैं, समाज के लोगों ने इंटरनेट पर, ट्विटर पर देखा होगा, टीवी पर देखा होगा, न्यूज़पेपर के फ्रंट की न्यूज थी, सबने पढ़ा होगा किस किस व्यक्ति ने विरोध किया, सबने पढ़ा होगा कितने लोगों ने मतदान पक्ष में किया, सबने पढ़ा होगा कितने लोगों ने विपक्ष में मतदान किया। तो इसका नाम लेने की कोई आवश्यकता है क्या? नहीं। इसका नाम लिए जाने की कोई आवश्यकता है क्या? समाज में असंतोष फैलाने की आवश्यकता है क्या? समाज की शांति भंग करने की आवश्यकता है क्या? एकजुट होने की आवश्यकता है, हमें एकजुट होना है, देश में शांति के लिए खड़ा होना है। यार समाज इस काम के लिए तैयार है, वही तो काम करेंगे। बिल्कुल समाज इस काम के लिए तैयार है, वही नीचे। लेकिन अगर किसी भी चीज से अगर समाज में शांति आने की आशंका है, आशंका तो राम मंदिर बनने पर भी जता रहे थे। कोई पेड़ का पत्ता नहीं टूटा गया, 370 के बाद कोई पेड़ का पत्ता टूटा नहीं, खबरें तक नहीं आई, कोई चलता चलता इंटरनेट बंद कर दिया। सर हम 11 तारीख 2022 को रविवार वाले दिन हमने एक छोटा सा प्रदर्शन रखा जंतर मंतर पर, क्योंकि सरकार ने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड राज्यसभा में पास हुआ उसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देना चाहते थे, और हम बताना चाहते थे कि सरकार के अच्छे कामों में हम उनके साथ हैं, और अगर सरकार कुछ गलत कदम उठाएगी तो हम उसका विरोध भी करेंगे, ये हमारा अधिकार है। और इसी सरकार को धन्यवाद देने के लिए हमने वो प्रदर्शन किया। अच्छा।